हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये सवाल सॉल्व करेंगे जिसका नाम है क्रिप्टो अर्थमैटिक। तो देखो सवाल क्या होता है, इसमें ना आपको तीन स्ट्रिंग्स दिए हैं, सेंड, मोर और मनी। ठीक है, आपको इनके करेक्टर्स को मैप करना है। सेंड, मोर, मनी आपको मिला है, आपको इनके करेक्टर्स को मैप करना है 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स के साथ, सच दैट सेंड और मोर का सम मनी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मतलब आपको ये जो करेक्टर्स हैं तीनों के मिलाकर एस ई एन डी एम ओ आर ई तो हो गया ऊपर, एम तो हो गया ऊपर, ओ हो गया, एन हो गया, ई हो गया, वाई, ये सारे जो करेक्टर हैं आपके, ये जो करेक्टर हैं, इन करेक्टर को 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स के साथ मैप करना है। कोई भी करेक्टर 2 डिजिट्स के साथ मैप नहीं हो सकता, और कोई भी डिजिट भी 2 करेक्टर के साथ मैप नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कर सकते आप एस पे भी 5 लगा दें और डी पर भी 5 लगा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 1:1 मैपिंग है, तो मैक्सिमम जो आपके यूनिक करेक्टर्स हो सकते हैं ना वो 10 हो सकते हैं, जैसे इस केस में 8 ही हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा अगर आपके यूनिक कैरेक्टर्स हो गए तो डिजिट तो 10 ही होती है 0 से लेकर 9 तक, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको इनको मैप करना है अलग अलग डिजिट्स के साथ, सच दैट सेंड और मोर का सम मनी के बराबर बन सके। जैसे कि ये कुछ आंसर्स हैं, जिसमें एक आंसर को एनालाइज कर देता हूं, वो देखिएगा ये वाला आंसर मैं आपके सामने एनालाइज करता हूं। ठीक है, ये मैपिंग आपको दे रखी है, इस मैपिंग के हिसाब से सेंड क्या बन जाएगा, एस इज 9, ई इज 5, N is 6, D is 7, M is 1, O is 0, R is 8, E is 5, money, M is 1, O is 0, N is 6, E is 5 and Y is 2. तो 7, 5, 12, 8, 6, 14 और 1, 15, 6 and 10, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी मैपिंग्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो वो सारी मैपिंग्स आपको प्रिंट करनी है। अच्छा, अब एक और बात, जब आप मैपिंग को प्रिंट करोगे ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स में करना। जैसे ए और बी अगर 2 कैरेक्टर होते तो पहले ए की मैपिंग प्रिंट होगी फिर बी की प्रिंट होगी। तो यहाँ पे डी ई एम एन ओ आर एस वाई आपको ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, अब इनपुट में आपको ऑलरेडी कुछ कोड दे रखा, वो क्या है, 3 स्ट्रिंग इनपुट लिए, ये वो हैश मैप बनाया, इसमें कैरेक्टर्स को इंटीजर के साथ मैप करना है। ठीक है, तो इसमें सारे यूनिक करेक्टर रहेंगे, तो यूनिक को भूल जाओ एक बार। स्ट्रिंग वन में लूप लगाया, अगर स्ट्रिंग वन इस करेक्टर को कंटेन नहीं करती है तभी इसमें ऐड करेंगे, तो कैरेक्टर इंट मैप के अंदर बेसिकली आपके पास सारे यूनिक करेक्टर्स आ जाएंगे। स्ट्रिंग वन के करेक्टर के सामने -1 लगा दिया, -1 का मतलब अभी ये करेक्टर मैप्ड नहीं है, सारे करेक्टरों के सामने -1 लिख देंगे शुरुआत में। ठीक है, और एक ये यूनिक स्ट्रिंग भी बना रहे हैं, यूनिक स्ट्रिंग के अंदर तीनों स्ट्रिंग के यूनिक करेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक यूज्ड नंबर्स का आपको एरे दिया है, यूज नंबर्स का एरे दिया है, जिस जो बुलियन एरे है जो बेसिकली यूज डिजिट्स की बात बताएगा, कि 0 से लेकर 9 आपको 10 का साइज दिया ना, तो 0 से लेकर 9 इसमें इंडेक्स होंगे, 0 हर एक के सामने फॉल्स पड़ा है, वो फॉल्स इंडिकेट करता है कि अभी ये नंबर यूज नहीं हुआ है। जब किसी डिजिट को यूज कर लोगे, मैप कर दोगे, तो उसे ट्रू कर देना कि ये यूज हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको देता हूँ, आपके पास अभी क्या क्या है। ये सेंड मोर मनी आपको मिले थे, इनको मैं छोटा सा लिख देता हूँ साइड में, हमें सेंड मिला था, हमें मोर मिला था, हमें मनी मिला था। तो ऑलरेडी हमें कोड में क्या करके दिया गया है, ऑलरेडी हमें कोड में ये करके दिया गया है, स्ट्रिंग वन को लूप लगाया और एक हैश मैप में उसे कैरेक्टर्स को डाल दिया, एस के सामने -1 डाल दिया, ई के सामने -1 डाल दिया, एन के सामने -1 डाल दिया, डी के सामने -1 डाल दिया, फिर दूसरी स्ट्रिंग को लूप लगाया और उसके डाल दिए कैरेक्टर्स, और साथ में एक यूनिक कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग पैदा कर ली, एस ई एन डी आ गया उसमें। अब जब कोई कैरेक्टर रिपीट होगा तो इसमें ऐड नहीं होगा, M यूनिक है, M के सामने -1 डाल दिया और इसमें ऐड कर ली, O इसमें नहीं पड़ा तो O के सामने -1 डाल दिया और यूनिक में ऐड कर ली, R इसमें नहीं पड़ा तो R के सामने -1 डाल दिया और यूनिक कैरेक्टर्स की लिस्ट में डाल दिया, E पहले से पड़ा है तो इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, पहले ही -1 पड़ा उसके सामने तो यहाँ ऐड भी नहीं किया। तो ये एक नई स्ट्रिंग बन रही है जो सेंड और मोर और मनी तीनों के लिए स्टैंड करेगी और इसमें तीनों के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, M पहले से पड़ा है, O पहले से पड़ा है, N पहले से पड़ा है, E पहले से पड़ा है, Y नहीं पड़ा तो Y के सामने -1 डाला हैश मैप में और Y यहाँ पर डाल दिया। तो आपके पास ये S C N D M O R Y एक यूनिक करेक्टर्स की स्ट्रिंग बन गई, इसमें तीनों स्ट्रिंगों के यूनिक करेक्टर्स आपके पास हैं सेंड M O R Y में। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहीं लिखवा लो यार, लेट मी राइट इट हेयर, S C N D M O R Y। पहली को पार्स किया, हैश मैप में सामने -1 डालते रहे, अगर हैश मैप में नहीं पड़ा था तो हैश मैप में सामने -1 डाल देते हैं और स्ट्रिंग में ऐड कर देते हैं, हैश मैप में पहले से पड़ा है तो
हैश मैप में कुछ नहीं ऐड करना, और वो यूनिक कैरेक्टर में तो ऑलरेडी पड़ा है तो उधर भी ऐड नहीं करना। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, जब ये एस सी एन डी एम ओ आर वाई सबके अगेंस्ट तुम कोई ना कोई डिजिट मैप कर दोगे। ठीक है, अब एक और तुमने यूज नंबर्स का वो रखा है अरे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबके सामने अभी फॉल्स पड़ा है कि अभी ये यूज नहीं हो रहा। ठीक है, जब किसी को यूज करेंगे तो उसके सामने ट्रू डाल देंगे। अब हमें पास क्या क्या किया गया है, ये यूनिक स्ट्रिंग सेंड मोरी, इंडेक्स शुरुआत में 0 पास किया गया है, ये हैश मैप पास किया गया कैरेक्टर इंट का, सबके सामने जो -1 पड़ा है ये वाला, यूज नंबर्स का बुलियन एरे पास किया गया है, सबके सामने फॉल्स पड़ा है कि कोई भी डिजिट अभी यूज नहीं है, और तीनों स्ट्रिंग पास की गई है। ठीक है, तो पहले डायग्राम देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, लेवल्स पे किनको रख रहा हूँ, ये यूनिक जो स्ट्रिंग थी ना आपकी सेंड मोरी, इनके कैरेक्टर्स पहले लेवल पे एस सॉल्व होगा, एस को किसी ना किसी के साथ मैप किया जाएगा, अगले लेवल पे ई को मैप किया जाएगा, अगले लेवल पे एन को, अगले लेवल पे डी को, अगले लेवल पे एम को, अगले लेवल पे ओ को, अगले लेवल पे आर को, लास्ट में वाई को, सबको मैप करते करते ऊपर आएंगे और बेस केस में उस मैपिंग के हिसाब से नंबर बनाएंगे कि सेंड स्टैंड्स फॉर व्हाट नंबर, मोर स्टैंड्स फॉर व्हाट नंबर, एंड मनी स्टैंड्स फॉर व्हाट नंबर। अगर वो जो नंबर बनेंगे उन पहले दो नंबरों का सम 30 नंबर के बराबर हुआ तो इस मैपिंग को हम प्रिंट कर देंगे। देखिएगा, तो एस कुड बी मैप टू 0 और कुड बी मैप टू 1 और कुड बी मैप टू 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुड बी मैप टू 9, एस कैन बी मैप टू एनीथिंग। ठीक है ना, एस कुड बी मैप टू एनीथिंग। अगर मैं इसको 0 से मैप करूं तो मैं इसके सामने जो -1 पड़ा है ना, ठीक है, एस के सामने जो ये -1 पड़ा है इसे मिटा दूंगा और इंस्टेड क्या लिख दूंगा, यू हैज बीन मैप टू 0, और 0 के सामने क्या कर दूंगा कि तू यूज हो चुका है। ठीक है, तो मैं इधर चढ़ के यहां पहुंचा। अब अगले लेवल पे किसको सॉल्व कर रहे हैं, ई का लेवल है। ठीक है, अब ई के पास पॉसिबल ऑप्शन तो 0 to 9 है, 0, 1, 2 ये सारी ऑप्शन है इसके पास 0 से 9, लेकिन वो 0 को यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देखेगा 0 इज ऑलरेडी मैप्ड, तो उसके लिए 0 रियली ऑप्शन रही नहीं, तो उसने 1 को अवेल करके देखा, अभी के लिए 1 को अवेल किया, तो यहाँ ई के सामने डाला 1, ई के सामने डाला 1 और 1 को कर दिया ट्रू कि 1 यू हैव बीन यूज्ड, और बात किसके पास पहुंच गई, एन के पास। अब एन की भी 0 से 9 तक सारी ऑप्शंस हैं, पर रियल ऑप्शंस तो 2 से 9 है, क्योंकि 0 1 यूज हो चुके हैं, तो 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, लास्ट में 9, तो एन के सामने डाला 2, 2 को किया यूज हैश मैप में, इनके सामने 2, 2 के सामने डाला बूलियन एरे में यूज नंबर्स में ट्रू, और हम डी के लेवल पर आ गए यूं बढ़ते हुए। तो यूं करते करते हम सबसे ऊपर तक तो पहुंचेंगे, जब वापस जाएंगे, जब कैसे कभी वापस गिरेंगे, जैसे अगर कोई मुझे बैक ट्रैक कराएगा यहां से, इस वाली एज से बैक ट्रैक कराएगा, तो मैं दो काम करूंगा, एन के सामने वापस -1 डाल दूंगा, एन पे 2 डाल के गए थे ना, और 2 को दोबारा फॉल्स कर दूंगा, ये बैक ट्रैकिंग से करूंगा। जब बेस केस में पहुंचूंगा तो ये पूरा हैश मैप भरा हुआ होगा, इस पूरे हैश मैप की वजह से सेंड वाला नंबर बनाऊंगा, मोर वाला नंबर बनाऊंगा और मनी वाला नंबर बनाऊंगा, चेक करूंगा सेंड प्लस मोर मनी के बराबर है कि नहीं। लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। ट्री बनाना मुश्किल है, ट्री बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि बहुत बड़े नंबर हैं, तो मैं लिमिटेड हूँ, मैं वो एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, हमें कौन सा करेक्टर, ये जो स्ट्रिंग मिली है इसका इंडेक्स वाला करेक्टर सॉल्व करना है, कैर सी एच इक्वल टू यूनिक डॉट कैर एट इंडेक्स, ये वाला कैर सॉल्व करना है। इसके लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास, इंट नंबर्स 0 से लेकर 9 तक सारे ट्राई करेंगे, ये पोटेंशियल नंबर्स हैं, पर अगर यूज्ड नंबर में इसके सामने ट्रू पड़ा है, यूज नंबर्स है ना 10 का एरे, उसमें 0 to 9 है, वो बूलियन एरे है, सामने फॉल्स पड़ा होगा तो मतलब वो यूज नहीं हुआ है, ट्रू पड़ा तो मतलब वो यूज्ड है। अगर यूज नंबर्स ने फॉल्स बोला कि नहीं यूज कर रखा, तभी इसे यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब कैर इंट मैप में पुट कर दो कैरेक्टर के सामने अपना नंबर, और यूज नंबर्स में नंबर के सामने डाल दो ट्रू कि यूज कर लिया। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम ये वाला काम कर रहे हो जो अभी लास्ट में सिखाया था, जैसे एन एन अपने ऊपर 2 डालना चाहता है, तो एन क्या करेगा, 2 डालेगा, 2 पे ट्रू कराएगा और डी को कॉल लगा देगा। ठीक है, वापस आएंगे तो एन खुद पे वापस -1 डालेगा और 2 को फॉल्स कर देगा, बैक ट्रैकिंग जरूरी है।
तो मतलब ये वाला डिजिट सॉल्व कर दिया हमने, इसकी एक मैपिंग कर दी, ये मैपिंग करके आगे डेलीगेट करते हैं। आगे कैसे डेलीगेट करें, यूनिक को कॉल लगाया, इंडेक्स को बढ़ाया, कैरेंट मैप को तो छुएंगे नहीं, यूज नंबर्स को तो छुएंगे नहीं, स्ट्रिंगे उनको क्या हाथ लाएंगे, स्ट्रिंगे तो यूं ही जाएंगी। ठीक है, बैक ट्रैक करते हुए अब तुम इस नंबर को फ्री करना चाहते हो कि भाई अभी दिस नंबर इज नॉट यूज्ड एनी मोर, तो उसे फॉल्स करना याद रखें, और कैर इंट मैप में कैरेक्टर के सामने माइनस वन डालना भी याद रखें कि भाई ये कैरेक्टर भी मैप्ड नहीं है। ऊपर जाते हुए नंबर के साथ मैप किया था, उसको ट्रू कर दिया था, वापस आते हुए कि दिस कैरेक्टर इज नॉट मैप्ड, माइनस वन कर दिया वापस, यूज नंबर को फॉल्स कर दिया कि दिस इज नॉट यूज्ड एनी मोर, ऊपर कॉल लगा दी। ऐसे ऐसे करते करते एक दिन क्या होगा, तुम्हारा इंडेक्स यूनिक की लेंथ पे पहुंचेगा। यूनिक की लेंथ पे पहुंचेगा मतलब ये जो नौ थे ना सेंड मोरी के अंदर जो सारे थे आठ, क्या मतलब एस वाला लेवल भी हो गया, ई वाला भी हो गया, एन भी हो गया, डी भी हो गया, ऐसे करते करते तुम वाई के भी बियॉन्ड पहुंचोगे। इंडेक्स हो गया तुम्हारा लेंथ के बराबर, लेंथ माइनस वन पे वाई पड़ा, तो मतलब सारे मैप हो गए, सारे मैप हो गए। तो अब जरूरी नहीं है कि जो मैपिंग करके आए हो इससे आंसर बने, इससे स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू और स्ट्रिंग थ्री के बराबर हो, जरूरी नहीं है। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैपिंग के अनुसार नंबर मांगना पड़ेगा। इंट नम वन, गेट नम नाम का फंक्शन लिखूंगा, स्ट्रिंग वन पास करूंगा उसे, और कैर इंट नम पास, कैर इंट मैप पास करूंगा कि भाई बता तेरी मैपिंग के हिसाब से स्ट्रिंग वन कौन सा नंबर है। ऐसा ही नम टू के साथ करूंगा, गेट नम स्ट्रिंग टू कैर इंट मैप के हिसाब से क्या नंबर हो तुम, नम थ्री अगर नंबर वन प्लस नंबर टू इक्वल टू नंबर थ्री हुआ, दो नंबरों का सम बराबर हुआ, रिटर्न तो यहां से करना ही है, तो प्रिंट करके रिटर्न करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, मैंने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, तो जो आपका कैरेंट मैप के अंदर जो ये पड़े ना कैरेक्टर के सामने मैपिंग हो रखी है वो प्रिंट करेंगे, पर ऑर्डर में करेंगे। तो ये देखिएगा ऑर्डर मतलब ए का नंबर पहले आएगा, बी का बाद में, तो मैं ये जीरो से छब्बीस का लूप चलाता हूँ, छब्बीस कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कैर बनाता हूँ। कैर कैसे बनेगा, कैर इक्वल टू ध्यान से देखना, ए के अंदर आई को ऐड कर लूँ, तो इससे ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा, ऐसे से जेड तक बनेगा। पहले चेक करूंगा भाई ये वाला नंबर कैर इंट मैप में है भी, अगर कैर इंट मैप में, अगर ये सेंड मोर मनी के नंबर ही, सेंड मोर मनी की डिजिट्स ही तो हमें मैप करने हैं, के कैरेक्टर्स ही तो मैप करने हैं, सारे कैरेक्टर थोड़े मैप हो जाएंगे, सारे तो 26 हैं, तो सेंड मोरी वाले एस सी एन डी एम ओ आर वाई तो करने हैं, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये कैरेक्टर कैर इंट मैप के अंदर है, अगर है तो प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या कैरेक्टर आपका कैरेक्टर डैश, और वो जिसके साथ डिजिट के साथ मैप हुआ था वो हैश मैप में गेट मार के मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ऐसा प्रिंट करते रहो, जब एक पूरा प्रिंट हो जाए तो अगले पे जाने से पहले प्रिंट लाइन लगा दो। रह गया ले दे के लिए फंक्शन गेट नम, एक बार दोबारा देख लो, तीन नंबर मंगाए, दोनों का सम अगर इंटीजर के बराबर है तो मुझे ये कैरेंट मैप में जो पड़े हैं कैरेक्टर्स पड़े हैं उनके सामने वाली डिजिट प्रिंट करनी है। उसमें एक कंस्ट्रेंट था कि भाई जैसे गलती से ऐसा मत कर देना कि ई को डी से पहले प्रिंट मत कर देना, तो ये मैंने जीरो से छब्बीस का लूप लगाया, बेसिकली ए से जेड का लूप लगाया ये। तो देख लेता हूँ कौन सा कैरेक्टर हैश मैप में है, जो है उसको प्रिंट कर देता हूँ, उसके सामने उसकी डिजिट प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं लिखने लगा हूँ ये नंबर, ये गेट नम, गेट नम आसान है, इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रिंग एस और आपने मुझे जो हैश मैप दिया ये हैश मैप में हर करेक्टर को उसी डिजिट से रिप्लेस करना है और इंटीजर डॉट पार सेंड करना है। तो मैंने स्ट्रिंग नंबर बनाया, स्ट्रिंग में बना रहा हूँ, देखना जरा क्या कर रहा हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, जो तुमने एस पास किया मुझे सेंड पास करोगे, एस इज मैप टू फाइव, ई इज मैप टू टू, एन इज मैप टू थ्री, डी इज मैप टू फोर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैश मैप में है, कैर इंट मैप में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नम के अंदर कैर इंट मैप में जाता हूँ, गेट करता हूँ किस चीज़ को, एस डॉट कैर एट आई को, स्ट्रिंग का कैरेक्टर उठाया, स्ट्रिंग के कैरेक्टर के अगेंस्ट हैश मैप में कौन सी डिजिट पड़ी है वो इस नंबर नाम की स्ट्रिंग में डाल दी। तो ये नंबर नाम की स्ट्रिंग पैदा हो जाएगी, लेकिन मुझे तो इंटीजर रिटर्न करना है,
मतलब SCND अगर ऐसा हुआ ना, तुमने सेंड भेजा है और हैश में मैं S5 के लिए है, E2 के लिए है, N3 के लिए है, D2 के 8 के लिए है, तो ये लूप लगा रहे हो तुम SEND में, S के अगेंस्ट 5 उठा लिया, स्ट्रिंग में 5 डल गया, E के अगेंस्ट 2 उठा लिया, ये 2 हो गया, N के अगेंस्ट 3 उठा लिया, ये 3 हो गया, D उठा लिया, D के अगेंस्ट 8 है तो ये 5T3, पर स्ट्रिंग की तरह 5238 बनाया तुमने, और तुम्हें स्ट्रिंग की तरह 5238 थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो इंटीजर की तरह चाहिए, वरना तुम चेक कैसे करोगे सेंड प्लस ये num1 प्लस num2 इक्वल टू num3, तो इंटीजर डॉट पार्सेंट जो आपने नंबर वाली स्ट्रिंग बनाई थी इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट कर लो। आई थिंक वी आर डन, तो मैं इसे एक रन करके देखता हूँ, छोटी मोटी कंपाइल टाइम मिस्टेक होगी तो उसे ठीक कर लेंगे। अच्छा मैंने ये चिपका चिपका के प्रिंट कर दिया, रॉन्ग आंसर आ गया, बीच में एक स्पेस है, तो यहाँ पर ना मैं ऐसे थोड़ा स्पेस करके प्रिंट कर दूंगा तो मेरे ख्याल से ये दूर दूर हो जाएंगे, फिर से ऐतराज नहीं रहेगा। ठीक है जी, लाओ सबमिट करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, देखो यार मैं एक कॉर्नर कट कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी मजबूरी है, ये सवाल बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे इन द सेंस ट्री इतना बड़ा है, मैं कैसे बनाऊँ। अब एस के लिए 10 डिजिट्स थी, सोच के देखो इसी कम्प्लेक्सिटी में एनालाइज कर लेते हैं, 8 करेक्टर है, तो कितने लेवल्स होंगे, एस का लेवल, ई का लेवल, एन का लेवल, डी का लेवल, टोटल मेरे पास 8 लेवल्स हो जाएंगे, हर लेवल पर 10 ऑप्शन, पहले लेवल से भी 10 ऑप्शंस, दूसरे लेवल से भी 10 ऑप्शंस, कैसे बनाऊं ट्री, दूसरे लेवल पर 64 हो जाएंगे, दूसरे लेवल पर ही 100 हो जाएंगे, मतलब 10 × 9 90 हो जाएंगे, बल्कि पहले लेवल से 10 ऑप्शन निकल जाएंगे, दूसरे से 9 निकलेंगे ना, क्योंकि डिजिट तो रही नहीं, तीसरे से 8 निकलेंगी, तो बेसिकली पता है कितनी कम्प्लेक्सिटी है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × ऐसे ऐसे, मतलब बेसिकली कम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लेना हो ना, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, कितने लेवल्स हैं, एल नंबर ऑफ, हर पे ओ ऑप्शंस खुलती हैं तुम्हारे पास, तो ओ इंटू ओ ऐसा ऐसा एल बार मल्टीप्लाई कर लो, तो ओ रेस्ट पर एल, इस तरह के सारे कोड्स की कम्प्लेक्सिटी है, नंबर ऑफ ऑप्शंस रेस्ट पर नंबर ऑफ लेवल्स, पहले लेवल पर 8 ऑप्शंस, दूसरे लेवल पर फिर 8 ऑप्शंस, पहले लेवल पर 8 गलत बोल रहा हूँ, पहले लेवल पर 10 ऑप्शंस, दूसरे लेवल पर हैं तो 9, पर मैं कहता हूँ चलो 10 मान लीजिए, लूप तो 10 का ही चल रहा है, अगले पे भी 10 का लूप, फिर अगले लेवल पर भी 10 का लूप, तो 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ऐसा 8 बार, तो 10^8 हो गई कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये आपका बन गया, चल रहा है, मुझे थोड़ी उम्मीद है कि तुम्हें सुडोकू, क्रॉसवर्ड और क्रिप्टो करने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमने लगेंगी, बैक ट्रैकिंग का अंदाजा आने लगेगा, आसान लगने लगेगी। बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।